हेलो फ्रेंड्स, आज घर में मैंने बनाई है मलाई की सब्जी। जी हाँ, मलाई की सब्जी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। नॉर्मल दूध की मलाई है ये। एक बाउल, बड़ा वाला बाउल भर के मलाई है, उसकी हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले ऑयल, क्योंकि मलाई भी छोड़ेगी, इसलिए बहुत ज्यादा ऑयल हमें नहीं डालना है। पहले बस ऑयल गरम हो जाए, तो एक बड़ा बाउल मलाई के लिए हम इसमें डालेंगे ये 5 इलायची और 5 लौंग। ये थोड़ा सा गरम हो जाए तो हम इसको डाल देंगे। अब ये स्प्लैटर करने लगा, अब हम इसमें डाल देंगे ये प्याज। ये 1.5 प्याज है करीब। अब घर में वेट वगैरह तो नहीं करते ना हम लोग, तो अंदाजे से ही ये 1.5 प्याज के करीब है। ये अब इसमें हम ये 1.5 प्याज डाल देंगे करीब। इसको हम ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेंगे। बहुत ज्यादा लाल नहीं करेंगे, बस गल सा जाए, पक सा जाए प्याज हमारा। प्याज हमारा भुन गया है, अब इसमें टमाटर डाल देंगे। ये 2 टमाटर हैं ये। प्याज ज्यादा ही भुन गया है कुछ इस समय, इतना ज्यादा नहीं भूनने की जरूरत होती है। थोड़ा सा नमक, इससे टमाटर जल्दी से पक जाएगा। बाद में जब टेस्ट को हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, तब ये ध्यान रखना होगा कि थोड़ा टमाटर में नमक हमने डाला था। जब तक टमाटर भून रहा है, साथ ही में हम लोग इसमें डाल देते हैं हल्दी, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च। क्योंकि मलाई है, मीठा हो जाएगा, इसलिए मिर्चा, पाउडर वाली मिर्चा हम डाल देंगे, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी नहीं वो मिर्ची। टमाटर भी हमारा भुन गया है, थोड़ी कटी हरी मिर्ची भी डाल देते हैं हम इसमें। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप कम मिर्ची डालना, वैसे हरी मिर्ची इसमें अच्छी लगती है। देखिए, बेयर मिनिमम ऑयल में हमारा प्याज और टमाटर भुन गया, और अब हम इसमें डाल देंगे मलाई। सिम पे करके आप इसको मिक्स कर लेते हैं। वैसे दिस रेसिपी इज नॉट फॉर फेंट हार्टेड पीपल। कैलोरीज तो बहुत फुल ऑफ कैलोरीज है, केवल मलाई की सब्जी है, बट बहुत यम्मी बनती है। कभी घर में कोई सब्जी नहीं है, अचानक से मेहमान आ जाए, तो ये बहुत काम की सब्जी है। ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत यम्मी लगती है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए और ऑयल ना ऊपर सरफेस पे आ जाए। देखिए, ये बॉयल आ रहा है और इसमें इसका कलर भी चेंज होने लग रहा है। अब ये देखिए, ये भुनने लग रहा है पूरा। अब इस स्टेज में हम इसका नमक भी फाइनली पूरा टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। ये ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा और पकेगा बस। नमक इसमें हमेशा टेस्ट करके डालिएगा, क्योंकि कितना मलाई घी छोड़ देगा और कितना फाइनली क्वांटिटी बचेगी, ये यू आर नेवर श्योर। क्योंकि मलाई में अलग अलग कंसिस्ट, अलग अलग ऑयल रहता है हमेशा। ये देखिए, हमारी मलाई की सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो रही है। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल देते हैं अभी हम। इसको एज ग्रेवी भी हम यूज कर सकते हैं कभी। इसे ऊपर से पनीर ग्रेट करके डाल दिया, या चिकन मलाई टिक्का की ग्रेवी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिच तो है ही। और इसको थ्रू आउट इसको सिम पे ही पकाना है। चलिए, थोड़ा सा हरा धनिया और
और ये हमारी मलाई की सब्जी तैयार है। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। इसको अब सर्व कर लेते हैं। इसमें जो ये एक्स्ट्रा ऑयल बच रहा है, इसमें राइस फ्राई करिए, बहुत टेस्टी लगता है। देसी घी तो है ही एक्चुअली ये। ऊपर से थोड़ा सा और हरा धनिया और ये रेडी टू सर्व। ट्राई जरूर करिएगा ये यमी रेसिपी, और पसंद आएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।